हेलो भाई, मैं हूँ सोनू सैनी। तो यार आज हम ड्राइवर व्यू करके देखेंगे इस हुंडई वेन्यू का, जो कि अभी हमारे पास अवेलेबल है। इसका 1.2 पेट्रोल इंजन, जो भाई जिसमें पावर मिल जाती है 83 bhp और 113 Nm का टॉर्क मिल जाता है। इसमें देख सकते हैं ऐसे कुछ SX ऑप्शनल टॉप मॉडल है इसका अभी हमारे पास है। तो देखते हैं यार ड्राइवर व्यू करके क्या कुछ है इसमें, मतलब कैसे कुछ अंडर पावर तो नहीं है। चलो कि भाई लाइट देखते हैं अब, मतलब ठीक है यार, मतलब देखने अगर आपको इसको ना आराम से चलाओगे, ड्राइवर व्यू मतलब बता रहा मैं आपको, जैसे अगर आप इसको आराम से चलाओगे ना तो माइलेज भी आपको अच्छी दे देगी ये, और बाकी चलने में तो है ही काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, और स्टेयरिंग भी काफ़ी ज़्यादा लाइट है इसका। मतलब आपको मजा आने वाला है इसको चलाने में। और बाकी एक मिनट भाई, इसमें हवा भरवा लें थोड़ी सी, उसके बाद करते हैं आगे कंटिन्यू। भाई अभी हम वेट कर रहे हैं थोड़ा सा, इसमें ना हवा कम है, देख सकते हो आप। इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है हमें, इसमें एक में है अभी 18 हो गई, अभी देख रहे भर रहे हैं उसमें, और एक में 17। तो देखते हैं क्या कुछ है, मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक है वैसे इस गाड़ी के हिसाब से ये इंजन। और अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ देख सकते हो ड्राइवर साइड कॉकपिट पे, मतलब यहाँ पे बैठ के आपको ना थोड़ा थोड़ा इसका मिल जाता है हमें बोनट विजिबल, मतलब आप बैठोगे ड्राइवर सीट पे तो आपको विजिबल होगा कि आप कोई SUV गाड़ी चला रहे हो। बट SUV तो नहीं भाई, सब कॉम्पैक्ट भी होगा, SUV गाड़ी है ये। और देखते हैं बाकी क्या कुछ है इसका। 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स है देख सकते हो, और ऐसा कुछ इसका मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं। और फुली डिजिटल है, जो कि इस तरफ मिल जाती है हमें डिजिटल स्पीड, और इस तरफ मिल जाती है हमें RPM की मार्किंग। देखते हैं चल भाई आगे परवाली बस होगा, तो चलते हैं। आफ्टर फ्यूलिंग द एयर, थोड़ी सी स्ट्रेच करूंगा अभी, देखना इसकी पावर 6,500 पे जाके भाई लैग मार देती है, मतलब 6,500 पे जाके बस कहती है गाड़ी चेंज कर लो अब तो गियर, सीधे ही जाना भाई हमें। मतलब ठीक है यार, अंडर पावर भी नहीं कह सकते, मतलब अच्छी है आप नॉर्मल भगाने के लिए गाड़ी, और माइलेज भी अच्छी मिल रही है आपको। देखते हैं सेकंड थर्ड गियर में अभी थोड़ी सी स्ट्रेच करके ना भाई, ठीक है यार गाड़ी तो। और ऐसी कुछ थी भाई ये, मेरे को वैसे पर्सनली बताऊं तो अच्छी लगी गाड़ी चलाने में। मेरे पास खुद स्विफ्ट है तो उसमें, और मेरे को इसमें ड्राइव करने में कुछ ज़्यादा एज इट कोई डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि दोनों में सेम इंजन है। और स्विफ्ट ने थोड़ी सी पावर ज़्यादा मिलती है उसमें, हमें 89 bhp मिलती है, बट इसमें हमें मिल रही है 83, तो इस वजह से उसमें थोड़ी सी मुझे पिकअप ज़्यादा लगती है, और वो छोटी भी यार गाड़ी, इसका भी डिफरेंस होता ही है। बाकी अच्छी, आपको किसी को ओवरटेक करना है तो ईजिली कर सकते हो, कोई वो है नहीं कि थोड़ी मुश्किल होगी। बट हाँ आपको जैसे पता ही है पेट्रोल गाड़ी है, एक डाउन गियर शिफ्ट तो करना ही पड़ता है कभी कभी अगर गाड़ी ज़्यादा ही स्लो है तो, मतलब ऐसा ठीक है गाड़ी। तो यार ऐसा कुछ था मेरा इसके साथ ड्राइवर भी, मतलब मेरे को ठीक लगी गाड़ी। अगर आप कोई भी इस गाड़ी को बाय करना चाहते हो ना तो ज़रूर बाय करो। और इसमें एक टर्बो वेरिएंट भी आता है जिसमें हमें इससे ज़्यादा पावर मिलती है, उसमें हमें 1000 cc का मिल जाता है पेट्रोल इंजन, बट इसमें तो है 1.2 का। उसकी जो वह टर्बो वेरिएंट होता है ना, उसमें एक तो टर्बो होता है और उसकी हॉर्स पावर और टॉर्क दोनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू दिस इंजन, क्योंकि इसमें थोड़ी कम होती हैं, और वो भागने में तो ज़्यादा ही ज़बरदस्त होता है कि इसमें डीजल इंजन भी आता है, आप सबको पता ही होगा 1.5 का। तो ठीक है भाई, मेरा ऐसा कुछ था इस गाड़ी के साथ ड्राइवर भी। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।